स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल एट होम टुडे इज़ आर फर्स्ट लेक्चर एंड दैट इज़ बुद्ध मज़हब का फन यानी कि बुद्धिस्ट आर्ट uh, इंडेक्स में यह आपका चैप्टर नंबर एट है ठीक है और आपने इसकी थॉरली रीडिंग जरूर करनी है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल भी आपको मैं बता दूंगी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुद्ध मजहब का बुद्ध आर्ट से क्या ताल्लुक है उसकी आर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि बुद्ध मज़हब कैसे शुरू हुआ ऑलमोस्ट सिक्स सेंचुरी बी में बर सग़ीर में हम ये देखते हैं कि हिंदू मज़हब से लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे उसकी वजह ये थी कि हिंदू मज़हब में आ, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा थी ज़ातों की ऊंची जात के लोग थे और नीची जात के लोग थे ऊंची जात के लोग नीची ज़ात के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे लिहाजा आम लोगों के लिए ट्रडिशनस एंड कस्टम्स को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था ऐसे में एकदम से हमें एक बहुत ही सादा और आम फहम मज़हब नज़र आता है जो कि बुद्धज़म कहलाता है और इस मजहब को इंट्रोड्यूस कराने वाला शख्स गौतम बुद्ध था जिसके नाम पे बुद्धम का नाम रखा गया अब क्वेश्चन ये आता है कि गौतम बुद्ध कौन था गौतम बुद्ध का ओरिजिन हमें नेपाल में मिलता है नेपाल की एक रियासत कपर बस्ता में एक राजा था जिसका नाम शुद्धात था और शुद्धात की बीवी यानी कि रानी का नाम महामाया था महामाया के हाँ एक शहजादे की विलादत होती है जिसको सिद्धार्था का नाम दिया गया यानी कि गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्था था सिद्धार्था की पैदाइश से मतलब नजूमी नु, नु, मुख्तु किस्म की बातें करते हैं और राजा को बताते हैं कि अगर शहजादे को महल की या दुनियावी खुशियों में ना उलझाया गया तो वो महल को छोड़कर चला जाएगा लिहाज़ा ऐसा ही हुआ जब शहजादा बड़ा हुआ और उसने ये ज़िद की कि वो महल से बाहर की दुनिया देखेगा तो उसने सबसे पहले एक बूढ़े शख्स को देखा और फिर उसने एक जनाजा देखा जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इंसान का इंजाम ये है लिहाजा उसने महल को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया यहाँ तक कि उसकी शादी कर दी गई और उसके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ लेकिन ये तमाम खुशियाँ उसको रोक ना सकें उसने महल को छोड़ दिया और जंगल में चला गया जंगल में उसने एक पीपल के दरख्त का दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पीपल के दरख्त का इंतब किया और वहाँ बैठ कर उसने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी और एक लम्बे अरस के बाद उसको निर्वाण हासिल हुआ जब वो पैंतीस साल की उम्र का था <coughs> और उसने अपना सबसे पहली तब्लीग दी कि नेकी की राह पे चलो और नेकी का रास्ता अपनाओ इस तरह से बुद्ध मह्हब का प्रचार पूरी दुनिया में होने लगा बुद्ध मत यानी कि बुद्ध यह लफज बुद्ध से निकला है जिसका मतलब है अक़ल और बुधा का मतलब है नूर रूहानियत अक़ल और जहानियत से ढाला हुआ पैकर आहस्ता आस्ता गौतम बुद्ध की ये तमाम जो पीचिंग्स थी वो दूर दूर तक फैलने लगें और डिफरेंट उसके पैरोकार्स बनते चले गए हिंदुओं का अपना खतरे में नजर आने लगा अस्सी साल की उम्र में गौतम बुद्ध जो है उसे मालूम हुआ कि उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है लिहाजा उसने अपने पैरोकारों से कहा कि एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर बैठ कर उसने अपना अपनी अपना आखिरी खुतबा दिया अब बुधा तो मर गया लेकिन उसकी तलीमत आज भी ज़िंदा हैं बुधा के मरने के बाद डिफरेंट बादशाह डिफरेंट या राजा या उसके पैरोकार या उसके मानने वाले लोगों ने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के थ्रू उसको पूरी दुनिया में फैलाया बुधा की लाइफ स्टोरीज बुद्ध की जिंदगी की तमाम कहानियाँ उसका तमाम ट्रैवल निविवान हासिल करने का उनको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में ढाला जिसमें स्कल्पचर भी है और जिसमें पेंटिंग भी है अब बुधस्त आर्ट को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं एक हमारे पास घंदारा आर्ट है और दूसरा हमारे पास एजंता आर्ट है घंदारा आर्ट दैट इज़ मोस्ट फेमस टाइप ऑफ बुधस्त आर्ट गंदारा आर्ट में हमें ज़्यादा स्कल्पचर्स नज़र आते हैं रिलीफ फॉर्म में भी ऑल राउंड स्कल्पचर्स भी आ, पाकिस्तान में इसके इलाके पेशावर टेक्सला सवात सवात वैली में भी हमें बुद्धि बुधस्ट फॉर्म नज़र आती है यानी कि बुधस्ट स्कल्पचर्स नज़र आते हैं गंदारा आर्ट को मज़ीद चार अदवार में तकसीम किया गया है यानि कि मुरान डानेस्टी कुशान डानेस्टी गुप्ता डानेस्टी एंड पोश गुप्ता डानेस्टी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुरैन अहद में आ, किन किन तरीक़ों से यानी कि किन किन आर्ट फॉर्म्स के थ्रू जो है बुद्धम के ऊपर काम हुआ है मुरैन दौर में बादशाह अशोका था बादशाह अशोका की हुकूमत थी उसने बुद्धिस को फैलाने के लिए बुद्धम को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क करवाया द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ इस ग्रुप में यानी कि मोरान डेनेसटी में आर्टिस्ट के जिस ग्रुप ने काम किया उसने बुधा की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दी बल्कि उसको अलामत के तौर पर बनाया सिंबल्स के तौर पर बनाया वो ये समझते थे कि अगर हम बुधा के फिगर की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये उसकी तोहीन है लिहाजा रिस्पेक्ट के तौर पर उन्होंने उसको साइंस एंड सिम्बल्स के थ्रू दिखाया अब ये साइंस एंड सिम्बल्स क्या हैं ये साइंट एंड सिंबल वो हैं जो बुधा के निर्वाण हासिल करने के ट्रैवल में उसके साथ रहे उसकी ज़ात का हिस्सा थे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थे यानी कि सफ़ेद हाथी हाथी पीपल का दरख्त और उसकी टर्बन <coughs> और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूबास यानी कि बिल्डिंग्स मुरैन अहद में जिस ग्रुप ने काम किया उसको हनायाना कहा जाता है नंबर सेकंड हमारे पास आती है कुशान डेनेस्टी कुशान डेनेस्टी में कनिष्का बादशाह था आ, कुशांत डानेस्टी में कनिष्का बादशाह की हुकूमत में जिस ग्रुप ने काम किया उसने बुद्धा को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी उसके फिगर को डायरेक्ट बनाया और ये ग्रुप माहाना कहलाता है नंबर थर्ड है हमारे पास गुप्ता अहद गुप्ता अहद में स्कल्पचर्स आहिस्ता आहिस्ता फिनिश होते चले गए और जो काम किया गया वो गारों की दीवारों पर किया गया और वो पेंटिंग्स की गई इस दौर में हमें पेंटिंग्स नज़र आती हैं नंबर फोर है पोस्ट गुप्ता पोस्ट गुप्ता अहद में ऑलमोस्ट गंदारा आर्ट का हमें जवाल नज़र आता है अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है गंदारा फन तामीर गंदारा फन तमीर गंदारा फन तमीर में हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स नज़र आती हैं वो स्टूपाज हैं रेलिंग्स हैं स्टूपा रेलिंग्स सतून यानी कि पिलर्स और इबाद यानी कि टेम्पल्स हैं अब क्वेश्चन यह आता है कि वाट इज़ स्टूपा गंदारा दौर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है स्टूपा ये एक गोल गुंबदनामा इमारत है जैसे कि हम देख सकते हैं कि यह एक गोल गुंबदनामा इमारत है और इसमें एक प्लेटफॉर्म है ठीक है प्लेटफॉर्म के साथ हमें एक गुंबद नजर आता है ठीक है ये एक गोल बनी हुई ठोस बंद बिल्डिंग है जिसमें कोई गेट नहीं है यह अंदर से ठोस है इसमें ना अंदर आने का रास्ता है और ना बाहर जाने का रास्ता है इसके ऊपर ये सारे रिलीफ वर्क किए गए हैं ठीक है इन रिलीफ़ वर्क के अंदर uh, बुद्धा की लाइफ स्टोरीज दिखाई गई हैं जिनको जातिका कहा जाता है इन स्टूपाज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें वोटिव स्टूपा है कमोमोरेटिव स्टूपा है और मॉडल स्टूपा है नेक्स्ट uh, इसकी इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि इसकी बेस है जो कि ये हमें प्लेटफॉर्म की सूरत में नज़र आती है ये डोम है जो कि हमें ये गोल गुम्बद नज़र आता है और इसको छतरी कहा जाता है इसका कोई गेट नहीं है ये अंदर से ठोस है हाँ एडिशन ये है कि इस स्टोपा के इर्द गिर्द गे, गेट्स भी बनाए गए हैं और पिलर्स भी बनाए गए हैं जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफरेंट अहद जैसे मौरान अहद है जैसे कुशांत डैनेस्टी है इसमें डिफरेंट इलाक़ों के अंदर डिफरेंट स्टोपाज बनाए गए जैसे मौरन अहद के अंदर सांची स्टोपा है भारत स्टोपा है और बुधगया स्टोपा है Uh, इन स्टूपास की जो मुर्यन अहद में बनाए गए वो इम्पॉटेंट बात यह है कि इनको सैंडस्टोन के साथ बनाया गया ठीक है इसके अलावा वो स्टूपाज जो कुशान अहद में हमें नज़र आते हैं वो रेड सैंड स्टोन में बनाए गए यानी कि स्टूपा इसकी फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है सेकेंड बिल्डिंग हमें नज़र आती हैं जो कि पिलर्स हैं ये पिलर ज़्यादा अशोक बादशाह ने बनाए ठीक है वो बुद्ध मजहब को हर जगह फैलाना चाहता था और गौतम बुद्ध की ज़ात की निशानदही करने के लिए और उसकी फरमान की तबलीग और दूसरा बादशाहों की कि शान शौकत को दिखाने के लिए ये पिलर्स बनाए गए ये पिलर्स भी हमें डिफरेंट इलाक़ों से मिलते हैं जैसे कि पिलर फ्रॉम नंदगढ़ पिलर फ्रॉम सारनाथ और इनकी लंबाई और चौड़ाई वेरी करती है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पिलर का कैपिटल है जिसमें हमें लॉइंग नज़र आता है इनका धर्म चक्रा नज़र आता है दैट इज़ द मोस्ट फेमस कैपिटल ऑफ अ पिलर फ्रॉम सारनाथ थर्ड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इनके टेम्पल्स हैं बुद्ध फन तमीर में मंदिरों को बहुत अहमियत हासिल थी जो कि तकरीबन हर मज़हब में होती है जैसे मसाजिद हैं मुसलमानों के यहाँ इसी तरह हिंदुओं में टैम्पल्स हैं बुद्धम में भी ये टैम्पल कहलाते हैं यानी कि ये इनकी इबादत गाहें हैं ये टेम्पल्स आम तौर पर मुस्तीन हॉल के ऊपर मुश्तमिल थे और बाद में ये गारों के अंदर यानी कि चट्टानों को काट कर बनाए गए इन मंदिरों के अंदर बहुत ज़्यादा पिलर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा दीवारों के ऊपर आर्ट वर्क किया गया है जो कि स्कल्पचर फॉर्म में भी है और पेंटिंग फॉर्म में भी है और ये मंदिर के तारों की शक्ल में बने हुए हैं जो कि हमें एजंता और एलोरा के मंदिर हैं ठीक है ये इनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी हो गई गर्ल्स यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है नेक्स्ट uh, हम इसकी आइकोनोग्राफी ऑफ बुदा पढ़ेंगे ठीक है और इसमें से आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप नोट कर सकते हैं और मुझसे फ़र्दर डिस्कस कर सकते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा और डिटेल से इसकी आपने रीडिंग करनी है थैंक यू सो मच